दोस्तों कुंडल न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। ग्राम पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही मुरादनगर स्थित ब्लॉक में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग फार्म व प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दो दो दिन से लाइनों में लगे हैं। लोगों का आरोप है कि ब्लॉक कर्मचारी फार्म व प्रमाण पत्र बनाने में 500 रुपये की रिश्वत ले रहे हैं। इसी बात को लेकर लोगों ने अधिकारियों से शिकायत करी व हंगामा करते हुए विरोध किया। ₹500 में हो रहा काम, कल भी पूरा दिन ये लाइन जो लगी हुई, किसकी लाइन लगी हुई है? ये भैया क्षेत्रीय उसके लिए लगी है, नोडल्स के लिए। नोडल्स के लिए जी। आप कब से लगे हुए हो? मैं यहाँ पे 11 बजे से लगा हुआ हूँ। 11 बजे से लगा हुआ हूँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ पैसे वैसे ही मांगे जा रहे हैं? अंदर जो भी दे रहा है पैसे दो, अपना लगा कर ले जाओ। अच्छा, यहाँ पे जो भी खड़े पागलों की तरह खड़े हैं, धूप में देख लो, 2.5 घंटा हो गया। अंदर पैसे ले करके नोडल्स दिए जा रहे हैं? बिल्कुल दिए जा रहे हैं जी। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं करी किसी से यहाँ पे अधिकारी? शिकायत करने के बाद में ये बोला गया है सारे आदमी एक जैसे हैं, आप लाइन में लगिए। अच्छा, हम लाइन में लगे पड़े, अंदर देखो भीड़ लगी पड़ी अभी भी। हटिए भैया, देखे अंदर, देखे अंदर, देखे जरा अंदर ही। हटो तो सही। आधार कार्ड मेरे मोबाइल के पास रखे ले तो रही है। आधार कार्ड हटना भैया, हटो तो सही। हटे भैया पीछे पीछे।